नमस्ते इंडिया। आज मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं और सुबह शाम मैंने इनको साइकिल पे देखा है अराउंड द जनकपुर एरिया और कई एरियाज में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइकिलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं इसके बारे में आज हमारी चर्चा है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डीके आनंद है। अच्छा जी, तो डीके आनंद साहब आप काफी साइकिलिंग करते हैं, इसके कुछ लाभ बेनिफिट्स बताइए। मैं इससे मेरा फिजिकल वर्कआउट होता है जिससे मैं स्वस्थ रहता हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप फिजिकल वर्कआउट करें और स्वस्थ रहें, मेडिसिन से दूर रहेंगे, आपको किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फिट रहेंगे। और वेट मैनेज है आपका? हम बिल्कुल, कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं? ना। तो साइकिलिंग कितना टाइम कर लेते हैं? मैं 40 मिनट एटलीस्ट करता हूँ। 40 मिनट एटलीस्ट। और मेरे साथ है भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है। अच्छा, आप तो बहुत साइकिलिंग कर रहे हैं। मैं दफ्तर में भी साइकिल, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑफिस में साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस साइकिल से डेली यानी कि 15 से 20 किलोमीटर डेली साइकिल चलाता हूं। अच्छा जी, तो इससे लाभ क्या क्या हो रहा है जरा बताइए। यानी कि घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और पोल्यूशन भी आपने कम कर दिया। पोल्यूशन कम, और आपने साइकिल पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। साइकिल लेकर गए, साइकिल पे आ गए और इसका आपका पैसा भी बच रहा है। तो देखिए, हमारा जो मैसेज है वो ये है कि एक साइकिलिंग का कल्चर अडॉप्ट करना है, साइकिल को अडॉप्ट करना है, आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करना है कि वो स्कूलों पर साइकिल पर जाए, ना कि अपने बसों के लिए पैसा खर्च करे। इससे पोल्यूशन भी कम हुई, उनकी हेल्थ भी बेटर हुई और हमारे देश में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। और हम चाहते हैं कि, हमारी प्रार्थना है सरकार से और सबसे कि वो ऐसे ट्रैक बनाएं जिसमें हम लोग साइकिलिंग कर सकें, ताकि हमारी फिटनेस भी अच्छी होगी, पैसा भी बचेगा, पेट्रोल बचेगा, एनर्जी बचेगी और पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। तो हमारा मैसेज कि आप सब लोग साइकिलिंग करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि आप यानी कि भारत आगे बढ़ता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे, पोल्यूशन खत्म हो जाए, एनर्जी सेव होती है, एनर्जी सेव होती है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप नेचर से जुड़े जिससे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम आपसे कोसों दूर रहेगा। तो हमारा नमस्ते सबको, क्योंकि साइकिलिंग का कल्चर अडॉप्ट करिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, यही हमारे चाहते हैं। हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, पोल्यूशन फ्री इंडिया, एनवायरनमेंट हमें बचाना है और जितना प्रदूषण है उसे कम करना है और हेल्दी और फिट मतलब दवाइयों का इस्तेमाल कम करना है। तो बच्चे स्कूल के और बाकी लोग भी जिनके ऑफिस नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करिए। नमस्ते। नमस्ते। बस।